हाँ बहन जी बोलो, क्या बात है? भाई साहब, गुड़िया को बहुत तेज बुखार है और आप ना हमें हॉस्पिटल तक छोड़ दीजिए, बस भगवान आपका भला करेगा। हाँ हाँ बहन जी, क्यों नहीं, आओ बैठो। अरे बहन जी, आपने मोटरसाइकिल क्यों रुकवा दी? एक मिनट। अरे बहन जी, ये आप क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। बहन जी आप क्या कर रहे हो? अरे बहन जी छोड़ो मुझे। अरे आपका दिमाग खराब है। बहन जी ये आप क्या कर रहे हो? लो छोड़ दिया और हो गया आपका काम। और अब मेरी एक बात है ना, ध्यान से सुनना। अब तू अपनी ये चैन, अपनी ये सारी अंगूठियां, अपना पर्स, मोबाइल और हाँ, इस बाइक की चाबी निकाल के जल्दी से मेरे हवाले कर दे। अरे बहन जी, मैं तो आपकी मदद कर रहा हूँ। बस ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, समझ गया? अब फटाफट ये सब माल निकाल के ना मेरे हवाले कर दे, वरना हम दोनों की जो फोटो खींची है ना वो इंटरनेट पे वायरल कर दूंगी, समझा? बहन जी आप ऐसा मत करना प्लीज। जल्दी कर, निकाल फटाफट। चैन भी निकाल। पर्स, पर्स और मोबाइल दोनों, मोबाइल निकाल फटाफट और बाइक की चाबी, चाबी दे। वाह बेटी वाह, क्या बात कही है तुमने। अगर तुम्हारे जैसे अच्छे संस्कार तुम्हारी माँ को भी बचपन में मिले होते तो ये ऐसी ना होती। और बहन जी एक बात आपने कभी सोची है, अगर आपके जैसी बेहुदा हरकतें आपकी बेटी भी बड़ी होके करे तो आपके दिल पे क्या गुजरेगी, आपने कभी सोचा है? मम्मी अब सोच क्या रही हो? अंकल का सारा सामान वापस करो और इनसे माफी मांगो। भाई साहब आप मुझे ना माफ कर दो और ये लीजिए आपका सारा सामान, आज के बाद मैं ये सब कभी भी नहीं करूंगी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हमने ये जो वीडियो बनाई है यह एक सामाजिक संदेश देने के लिए बनाई है। परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, हमें गलत कदम कभी भी नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। और